जंगल में जादुई बगीचा था जिसका ख्याल एनलाइट नामक फेरी गार्डनर रखती थी। जब एनलाइट छोटी थी उसकी माँ उसे जादुई बाग का रेख देख करने की जिम्मेदारी देकर दूसरे बाग का देखभाल करने उसको अकेला छोड़कर चली जाती है। उनके परिवार पुराने समय से जादुई फूल और बाग का रक्षा करते आए हैं। अब एनलाइट भी बचपन से बाग का ख्याल रखती आई है। वह उस जादुई बाग में खेलती कूदती बड़ी हो गई है। अब एनलाइट को अकेलापन का एहसास होने लगा। उसे कोई दोस्त चाहिए था जिससे वह बात कर सके और उसे अपना परिवार चाहिए था, लेकिन वह उस बाग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसको उस जादुई बाग और जादुई फूलों को हमेशा शैतानी शक्तियों से बचा के रखना है। मगर एक दिन सब कुछ बदला जब एनलाइट का मुलाकात एक हसीन राजकुमार से होता है जो जंगल में खो गया है। उसका कुछ दिन बहुत खूबसूरत बीतता है और वह राजकुमार के प्यार में खो गई। मगर एनलाइट का सब सपना चकनाचूर हो जाता है जब उसको सच मालूम पड़ता है। दरअसल वह राजकुमार जादुई फूल को चुराने आया था। अब उसे घबराहट होने लगी कि कहीं वह फूल किसी गलत हाथ में तो नहीं पड़ गया है। अब एनलाइट सच पता करने पहली बार जादुई बाग से बाहर निकलती है। जब एनलाइट प्रिंस के महल में पहुंचती है उसे पता चलता है वह जादुई फूल चुड़ैल के हाथ में है। फिर एनलाइट चुड़ैल को खत्म करने की मंशा से महल के अंदर चली जाती है। वह चौंक जाती है जब राजकुमार को बंधक बनाकर रखे हुए देखती है। अब राजकुमार एनलाइट को बताता है कि चुड़ैल उसकी पत्नी है जिसने उसे धोखे से शादी किया और बीमार होने का नाटक करके मुझे इस जादुई फूल चुराने के साजिश में शामिल कर लिया। असल में उस बाग में शैतानी शक्ति नहीं जा सकती, इसलिए मुझे प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे यह काम करवाया। अब एनलाइट को सब समझ आता है और वह जादुई फूल की जगह झेरीला फूल रख देती है जिसके सेवन के बाद चुड़ैल खत्म हो जाती है। अब राजकुमार और एनलाइट साथ खुश हैं।